नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलिक जैन और आपका स्वागत है हमारे चैनल लवकार सिस्टम्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए वाईफाई जीएसएम सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम की, जिसमें कीपैड भी है, स्क्रीन भी है। पूरी किट के अंदर जो सामान आता है वो ये आता है। पूरी किट के अंदर यहाँ पर हमने एक पैनल आता है, एक आपको डोर सेंसर मिलता है, एक मोशन सेंसर मिलता है, दो रिमोट मिलते हैं, एक सायरन मिलता है और इसके साथ एक यूएसबी चार्जर मिलता है, मैनुअल भी साथ में मिलता है, ये किट में आता है। इस वीडियो में हम एक ये वायरलेस शटर सेंसर भी इसमें ऐड करके चला के दिखाएंगे। अभी हम इसके अंदर जैसे कि इसके प्रोग्रामिंग मोड में जाना होता है, उससे पहले हम इसके पैनल को एक बारी देख लेते हैं। ये इसका पैनल है, इसमें यहाँ पर दोनों तरफ स्पीकर्स हैं, यहाँ पर स्क्रीन दिया हुआ है, इसमें इसका कवर है फ्लैप कवर, इसको आप खोल बंद कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। साथ ही इसमें बैक साइड पे बैटरी इसके अंदर है। ये वैसे तो एक बैटरी कंपार्टमेंट दे रखा है पर ये बैटरी के लिए नहीं है, ये वायर जा रही हैं, दो वायर्स हैं, एक वायर सायरन के लिए जा रही है और एक वायर चार्जर के लिए है। यहाँ पर सिम डाला हुआ है और ये कनेक्टेड है और यहाँ पर ये हार्ड ऑन ऑफ का बटन है, सॉरी, जिससे कि हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर हमने इसको ऑन रखा है और अगर इसकी पावर भी हमने निकाल दिया तो ऑन ही रहेगा जब तक इसकी बैटरी इसमें है। तो ये है, ये बैटरी कंपार्टमेंट है पर इसमें कोई बैटरी नहीं है, बैटरी इसके अंदर ही है और काफ़ी अच्छा लाइट वेट सिक्योरिटी सिस्टम है, फुल्ली फीचर्ड है। इसमें 200 सेंसर ऐड किए जा सकते हैं। ये इसके साथ सायरन है, रिमोट्स बड़े अच्छे आए हैं इसमें, ये रिमोट है और ये डोर सेंसर है वायरलेस, बहुत अच्छा है ये। इसकी जो मैग्नेटिक भी इसकी जो फोर्स है काफ़ी अच्छी है और लुक भी काफ़ी डिसेंट आई है इसकी बार। और जो PIR सेंसर है वो भी काफ़ी स्लीक और काफ़ी स्मार्ट आया है ये। तो ये चीज़ है, इसके साथ ये मैनुअल भी है जिससे कि हम समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको इसके जनरल इसमें कैसे सेंसर ऐड करते हैं, कैसे हम इसके अंदर इसको यूज करते हैं वो हम जानेंगे। तो अब हम एक बार इसको रिसेट कर लेते हैं। इसका प्रोग्रामिंग मोड में जाने का है #666#। क्योंकि इसमें रिमोट एडिड है तो हम इस बार इसको रिमोट को डिलीट कर लेते हैं। रिमोट डिलीट करने के लिए 22#। ऑपरेशन सक्सेस। तो अब अगर हम इसमें से रिमोट का बटन दबाएंगे तो रिमोट हमारा काम नहीं कर रहा है, सेंसर भी कोई काम नहीं कर रहा है। अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं और हमारा ये डोर सेंसर भी हम डिलीट कर लेते हैं। Please enter the instruction. 25#. Operation succeed. आर्मिंग करी, अभी हमारा डोर सेंसर काम नहीं कर रहा है। अब हम इसमें डोर सेंसर, मोशन सेंसर और रिमोट ऐड करेंगे और वायरलेस शटर सेंसर को ऐड करेंगे और इसकी बेसिक वर्किंग को समझेंगे। ये अब हमारा बिल्कुल फ्रेश पैनल है, तो अब हम इसमें प्रोग्रामिंग मोड में जाते हैं। #666#। सेंसर को ऐड करना है तो सेंसर ऐड करने के लिए पहला सेंसर ऐड करना है तो 23 और फिर 1 नंबर पे ऐड करना है तो 1#। अगर 11 पे ऐड करना है या 15 पे ऐड करना है तो वो नंबर ऑफ सेंसर डलेगा। जैसे कि अगर हम इसको ऐड करते हैं 21 पर #, 21 नंबर सेंसर का आ रहा है। अब अगर हमें इसको पेयर करना है तो हम इसको अलग करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया। अब हमें बार बार प्रोग्रामिंग मोड में जाना नहीं पड़ेगा, अब हम प्रोग्रामिंग मोड में ही हैं। अब हमें दूसरा सेंसर ऐड करना है, मान लीजिए हमें शटर सेंसर ऐड करना है, अब हमें इसको 23 और अगर हम इसको 31 पे ऐड करना है, ये हमारा ट्रिगर हमने किया तो वो ऐड हो गया। इसी तरीके से हमने PIR सेंसर को ऐड करना है, PIR सेंसर इस वक्त ऑफ है तो 2341#। अब इसको ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करने के लिए इसको ऑफ है तो इसको हम ऑन कर लेंगे। काफी
जैसे ऑन किया तो ये इसके साथ ट्रिगर हुआ और ये पेयर हो गया। अब हम इस सेंसर को किसी को इसको हम उधर की तरफ फेस करके रख देते हैं ताकि ये डिटेक्ट ना करे साइड में। अब हम इसको चेक करेंगे इसकी वर्किंग को, सिस्टम को। अभी रिमोट भी ऐड करना है हमने, तो रिमोट ऐड करने के लिए इसके अंदर 2 1 1 #। ये रिमोट का बटन दबाया, रिमोट ऐड हो गया। इसी तरह से 2 1 2 #। दोनों रिमोट हमारे ऐड हो गए हैं। अब हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आना है तो स्टार और हैश दबाकर हम बाहर आ जाएंगे। अब हम सिस्टम को इसकी हेल्प से डिसआर्म आर्म कर सकते हैं। अब हम ट्रिगर करेंगे, सिस्टम आर्म है। अब हम इसको हटाएंगे डोर सेंसर को। सिस्टम को डिसआर्म कर देते हैं। अब हम शेल्टर सेंसर को दोबारा ट्रिगर करके चेक करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम पीआर सेंसर को एक्टिवेट करेंगे। हो गया। इस तरीके से हमने सारे सेंसर को चेक कर लिया। और ये इसमें हम अब अलग अलग नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। उनको ऐड करने के लिए हमें इसको ऐड करना है तो हम अगेन प्रोग्रामिंग मोड में जाएंगे, #666#। प्लीज एंटर द इंस्ट्रक्शन 51। ये कमांड है हमारी। और इसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर डालते हैं 9416135606 और #। ऑपरेशन सक्सेस। तो ये हमारा पहला नंबर ऐड हो गया। इस तरह से हम इसमें 6 मोबाइल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और SMS के लिए हम 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा 51 थी हमारी फर्स्ट मोबाइल नंबर के लिए, 52 हमारी सेकंड के लिए, 53 54 55 56। इस तरह से हम 6 मोबाइल नंबर्स को एक एक करके ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें SMS के लिए ऐड करना है तो हम 49 और 50, मान लीजिए हमें SMS के लिए ऐड करना है तो हम 49 9 4 1 6 1 3 5 6 0 7 #। साथ ही मैनुअल में आपको कैसे आप और मोबाइल नंबर्स को ऐड करना है वो सॉफ्ट मैनुअल आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप रेफर कर सकते हैं इसमें और कमांड्स को कैसे यूज किया जाता है। तो ये था एक ओवरऑल इसका वर्किंग लेआउट। ये हमारा प्रोग्रामिंग मैनुअल है जिसके अंदर से हम अलग अलग कमांड्स को जनरली रेफर कर सकते हैं। ये हमने एक सॉफ्ट अपने लिए रेफरेंस के लिए बनाया रखा है। और आपको भी इसकी अवेलेबिलिटी करा दी जाएगी। और ये इसका जो इसके साथ आता है मैनुअल, ये वो है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोबाइल ऐप के साथ इसको कैसे शेयर किया जाता है। दैट वॉज इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।